नमस्कार। डॉक्टर का पेशा बड़ा ही भरोसे का माना जाता है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान जीवन देता है और धरती पर जीवन बचाने का काम डॉक्टर करते हैं। उनका दर्जा बड़ा होता है, भरोसे का होता है, लेकिन वही भगवान जब इसे अपना पेशा बना ले, लोगों को लूटने में लग जाए, तब फिर उस भरोसे का क्या कहेंगे। उस भरोसे के ढहने के बाद उम्मीद कहां बसती है। परेशान इंसान कहां जाए, किससे फरियाद करे, कहां गुहार लगाए। तो फिर क्यों ना उस भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाए जो अब इंसानी जान से खेलने लगा है, जिसके लिए इंसानों की जान बाद में और पैसा पहले हो गया है। तो आज बात इसी मुद्दे पर होगी। इसके अलावा भी जुर्म पर नजर रहेगी और कहां विधायक जी पर आरोप लग रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो इलाज के लिए अपने पिता को लेकर नर्सिंग होम आता है। पिता को भर्ती भी कर लिया जाता है, लेकिन जो पिता अपने पैरों पर चलकर नर्सिंग होम आते हैं, उस पिता की हालत ऐसी हो जाती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं बचते। आखिर ऐसा कौन सा इलाज हो रहा था उस नर्सिंग होम में? मरीज परेशान, कटघरे में भगवान, पैसे लेकर होता है जान से खिलवाड़। ये है शिव कुमार घोष। इन्हें अस्पताल के बिस्तर पर होना चाहिए था, लेकिन अब ये गाड़ी की सीट पर लेटे हैं, वो भी ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल के बाहर। जी हाँ, आप ये देखकर जरूर चौंक रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब घोष ब्रह्मानंद अस्पताल आए थे तब ऐसे नहीं थे। इनके परिजनों का कहना है कि वो चलते फिरते इलाज के लिए ब्रह्मानंद आए थे, लेकिन चंद दिनों के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई, चलने फिरने के लायक नहीं रहे। हालत बद से बदतर होती चली गई। परिजनों का आरोप है कि इनकी ये हालत ब्रह्मानंद अस्पताल में इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही के बाद हुई। अपने पिता की बिगड़ती हालत के बाद इनके बेटे अस्पताल पहुंचे, अस्पताल प्रबंधन से बात की, लेकिन बेटे सुब्रतो घोष के मुताबिक अस्पताल वालों ने ढंग से बात भी नहीं की, उल्टे मरीज को अस्पताल से ले जाने को कह दिया। इस दौरान 8 से 10 बार कई तरह की जांच भी कराई। जब परिजनों ने जांच रिपोर्ट की मांग की तो देने से अस्पताल ने मना कर दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हफ्ता दिन बाद आइए, तब मेडिसिन चालू करेंगे रिपोर्ट आने के बाद। जब कल हम लोग आए रिपोर्ट लेने, तो डॉक्टर देख के बोला यहाँ पर तो पूरा रिपोर्ट नहीं है। हम बोले सर, हम लोग कैसे मालूम पूरा रिपोर्ट है कि नहीं है। फिर पता होता लगवाया गया तो जो यहाँ पर जो स्टाफ था, कोई लड़की लेडी स्टाफ थी, वो बोली कि नहीं, आपका रिपोर्ट में ना गलती से हम एक तो भेजे नहीं, हमको माफ़ कर दीजिए, हम भेज नहीं पाए। उसके लिए आप एक हफ्ता और एक दिन और वेट कीजिए, और आपको फिर से ब्लड देना होगा, और आपको पूरा पैसा भी पूरा से फिर से देना होगा, फिर से पैसा देना होगा। तो हम लोग बोला जी ठीक है। तो इन लोग का जो सीनियर बॉस है, हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनसे भी कल बात किए थे, वो भी बोला देखिए आदमी से तो गलती होता ही है, गलती हो गया तो क्या कीजिएगा। अब गलती होने के बाद क्या कीजिएगा, इतना तो बात बोले, फिर मेरे से ढंग से बात भी नहीं किया, फ़ोन रख भी दिए, धमकी दिए जो करना। हाँ, उसके बाद हमको पास में बोला, हम बोले देखिए अगर ऐसा होगा तो फिर हम लीगल एक्शन में चल जाएंगे, वो तो आपको जो करना है कीजिए। परिजनों की माने तो अस्पताल प्रबंधन ने फ़ोन पर अपनी लापरवाही मानी, लेकिन शिकायत के बाद मरीज़ का इलाज करने से इनकार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में मरीज़ के साथ कुछ हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? आज क्या हुआ कि जैसे आए हम लोग भी नॉर्मल आए, आज बुलाया गया था हम लोग को फिर से ब्लड सैंपल लेने के लिए। जैसे ही आए तो मम्मी को बोला कि आप लोग का कोई ब्लड टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जहाँ से करना है कर लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल से मतलब यहाँ से हम लोग रिफ्यूज कर दिया, आप लोग कुछ नहीं करेंगे सर। अभी तक कम से कम हम लोग 25-30 हज़ार रुपये ले चुका है, काम कुछ भी नहीं हुआ है, दुनिया भर का टेस्ट करवा लिया है, लेकिन अभी ये लोग जो है अपना पल्ला झाड़ रहे। अस्पताल में हंगामा होता देख भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद आरोपी अस्पताल के कर्मचारी और मरीज के बेटे दोनों को पुलिस अपने साथ थाने ले जाती है। अब थाना में जो जैसा उचित लगे वैसा अपना ही करेगा, अब क्या है? दोनों पार्टी क्या अपना पक्ष क्या रख रहा है? क्या पक्ष रहे? सामने में आपके सामने सब हाजिर है। हाँ, नहीं, आप जो बोल रहे हैं सब सामने में बोल रहा है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। जो बोल रहे हैं दोनों पार्टी आपस में बोल रहा है।
ब्रह्मानंद अस्पताल के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 25 मार्च को ऐसे आरोप लग चुके हैं। ब्रह्मानंद नारायण हृदयालय अस्पताल में पैसे लेकर अनाप शनाप जांच करने का मामला सामने आया था। हमने तब भी ये खबर आपको दिखाई थी। परिजनों के दबाव के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी। तब पता चला था कि मरीज को बेवजह ऑपरेशन कराने पर मजबूर किया जा रहा था। हालांकि अब जांच के बाद ही इस मामले का सच सामने आएगा। जांच रिपोर्ट से ही खुलासा होगा कि मरीज के परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आम मरीज बड़ी उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर को भगवान मानते हैं। लेकिन अगर इन आरोपों को माने तो ये डॉक्टर मरीजों को लूटने में लगे हैं। फिर इसके लिए चाहे मरीज की जान बचे या ना, मायने नहीं रखता। पैसा इंसान की जिंदगी से बढ़कर हो गया है। मुकेश मिश्र, जी मीडिया, जमशेदपुर। लेकिन इलाज के नाम पर खेल का ये अकेला मामला नहीं है। औरंगाबाद में भी लोग सड़कों पर उतर गए। परिजन एक महिला मरीज की मौत से खासे नाराज थे। उनका आरोप ये भी है कि महिला मरीज की मौत हो जाती है और डॉक्टर इस बात से इनकार करते हैं। आपको बता दें कि बाद में आरोपी डॉक्टर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये नजारा है औरंगाबाद जिले के नगर थाना इलाके का। लोग सड़कों पर उतरे हैं, गुस्से में, आक्रोश गहरा है। गहरा इतना कि इस आक्रोश के सामने मौत का गम भी शायद पीछे छूट गया है। और पीछे छूट गई सारी हदें। हाथ खाकी पर भी उठने लगे। भले ही खुद का सिर फटा हो, सिर से खून निकल रहे हो, लेकिन हाथ खाकी के गिरेबा तक जा रहे थे। आखिर ये नौबत पहुंची ही क्यों? तो हम आपको बता दें, यहां लोगों का गुस्सा इलाज में बढ़ती गई लापरवाही को लेकर फूटा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को एक महिला नर्सिंग होम में भर्ती होती है। महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था, लेकिन सोमवार की रात से महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन उसे रेफर करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। नर्सिंग होम के डॉक्टर बराबर आश्वासन देते रहे कि महिला ठीक है, स्वस्थ है। परिजनों के मुताबिक जब उन लोगों ने महिला को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला नर्सिंग होम से निकलकर सड़क तक पहुंच जाता है। ऐसा है कि एसपी साहब ने कहा कि पूछताछ के लिए हिरासत में है। एसपी साहब सरासरी औरंगाबाद के जनता में और सरकार के लाइन ऑर्डर बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। जब उनके एसडीओ उनके इंस्पेक्टर के सामने डॉक्टर स्वयं पत्थर चला रहा था जिससे कपार फूटा, उनका एसडीओ और डॉक्टर भाग गए वहाँ, एसडीओ इंस्पेक्टर यहाँ से रोड पर पब्लिक की भीड़ में, और उसके बाद ही घटना घटी है। उसके बाद पूछताछ करने के लिए यह सरासर गलत है, तैयार होना चाहिए डॉक्टर को जेल। गुस्साए लोग NH2 को जाम कर देते हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान परिजनों और डॉक्टर के बीच रोड़ेबाजी शुरू हो जाती है। इस रोड़ेबाजी में मरीज का एक परिजन घायल भी हो जाता है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसे भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। साफ है इलाज में लापरवाही बरती गई। जब परिजन ने महिला को रेफर करने की मांग की तो यही आश्वासन मिलता रहा कि हालत ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। ये घटना घटने से घटते ही अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना अध्यक्ष सब यहाँ आ गए थे। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया और धैर्य से संयम से पुलिस बल ने काम किया, नहीं तो जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई थी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट सकी थी। इसके बावजूद ही क्लिनिक को बहुत क्षतिग्रस्त किया गया है। क्लिनिक में भी जो इनके स्टाफ थे और लोगों का कहना है कि जो चिकित्सक थे उन्होंने भी पत्थर फेंका जिससे कि एक लड़का घायल हुआ है, जिसे AMCH में भेजा गया है। अब जांच के बाद मामले की सच्चाई सामने आई, लेकिन इस जांच और कार्रवाई के बीच एक सच और है। एक महिला की मौत हो चुकी है और वो भी इस धरती के भगवान के हाथों।
सवाल यह भी है कि जहां ये धरती के भगवान इलाज कर रहे थे, क्या वो रजिस्टर्ड? अगर नहीं तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था? हंगामे के बाद ही सबकी नींद क्यों खुलती है? मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। उस मां की ममता का खून कर दिया गया, उसके कलेजे के टुकड़े को इलाज के नाम पर मौत दे दी गई। उस मां ने कभी सोचा तक नहीं था कि उसका लाल यूं सो जाएगा। नीम हकीम खतरे जान, दवा दुकानदार भी बने डॉक्टर, लापरवाही ने ली एक बच्चे की जान। इस मां की गोद में इसका लाल है, लेकिन अब ये कभी नहीं उठेगा। अपनी मां की गोद में चिर निद्रा में सो रहा है। इसकी आवाज अब इसकी मां कभी नहीं सुन पाएगी, ना ही ये मां अब कभी अपने बेटे को लोरी सुना पाएगी। अपने बच्चे के शव को लेकर घूम रही है, भटक रही है, समझ नहीं पा रही कि किसने इसके लाल को जुदा कर दिया है, किसने इसकी गोद सूनी कर दी है। ये तो बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बीमार बेटे को लेकर आई थी इलाज करवाने। अपने बेटे का दर्द जब देखा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था, अपने बेटे को लेकर एक दवा दुकान पहुंचती है। बेटे को सर्दी बुखार था। एक मां का दिल अपने बेटे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैसे करे? एक मां जो ठहरी, चली आई अपने बेटे को लेकर दवा दुकान में। दवा दुकानदार ने समझाया कि सुई लगाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद ये लाडला सो जाता है। तब दवा दुकानदार कहता है कि इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ, वहीं ठीक होगा। लाचार, बेबस, दुखियारी मां अपने बेटे को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब इसे मालूम होता है कि इसका लाल हमेशा के लिए सो चुका है, इसकी गोद सुनी हो चुकी है। जब मेरे गलत की कॉल करूं कल ला जा, ला जा सरकारी हॉस्पिटल, ला जा कहते ला डॉक्टर की कॉल कल के मर गला बच्चा। इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होती है, नाराजगी फैलती है, गुस्सा आता है, सभी लोग थाने पहुंचते हैं। थाने जाकर दवा दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाता है। इस बारे में जब स्थानीय दुकानदार से बात की गई तो उसने सुई लगाने से इनकार किया, अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप को मानने से इनकार करता रहा, लेकिन एक मां की दुनिया बिखर चुकी थी। हम लोग हॉस्पिटल यहाँ भेज के आए, हम तो यहाँ कोई सुइया नहीं दिए। तो वो तो बता रहे हैं भाई साहब, हम लोग कोई सुइया वगैरह दिए ही नहीं। मामला थाने में आ चुका है, पुलिस मामले की जांच करने में लगी है। बच्चे को बिहार मेडिकल के द्वारा, एक बिहार मेडिकल के कंपाउंडर के द्वारा सुई दी गई, जिसके बाद वो बच्चा मर गया। इस संबंध में बच्चे का अंत्य परीक्षण कराने हेतु सदर अस्पताल मधेपुरा भेजा गया। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। अब जांच भी होगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक मां की दुनिया उजड़ने के बाद ये सब पहले भी किया जा सकता था, मगर प्रशासन के पास लगता है कि इतना वक्त ही नहीं वो एक मां की गोद उजड़ने से पहले उसे रोक सके। शंकर कुमार, जी मीडिया, मधेपुरा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। चार अपहरण, एक हत्या, पुलिस की जांच, विधायक जी की गिरेबां तक। जी हां, यह तस्वीर उभर कर अब सामने आ रही है। यह तस्वीर बाढ़ से सामने आ रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक
अनंत सिंह पर आरोप लग रहे हैं। अब विधायक जी आरोपों के घेरे में हैं। हत्या के पीछे अनंत हाथ। अनंत सिंह ने दी थी हत्या की सुपारी। खाकी कर रही खादी की तफ्तीश। सवालों के घेरे में अनंत सिंह। बाढ़ में 17 जून को 4 युवकों का अपहरण कर लिया जाता है। इनमें से एक युवक की हत्या कर दी जाती है। इस मामले के बाद गांव में जबरदस्त तनाव फैल जाता है। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई जगह से फोर्स को भी बुलाया जाता है। इस हत्या के बाद कई सवाल उठने लगते हैं। थाने में मामला भी दर्ज किया जाता है। मामला सियासी रंग लेने लगता है। यहां से एक नया संकेत भी मिलता है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। परिजन 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराते हैं। उनमें से एक गिरफ्तार भी हो जाता है। अब पटना पुलिस ने इस मामले में एक नया खुलासा किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर राजधानी पटना से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद सामने आता है कि इस अपहरण और हत्याकांड के पीछे मोकामा विधायक का हाथ है। मोकामा से अनंत सिंह विधायक है। अब जांच की सुई अनंत सिंह की तरफ घूम गई है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें एक अपराधी भूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। भूषण सिंह मूलतः लदमा गांव का रहने वाला है, जो बाढ़ थाना अंतर्गत है, और वो काफ़ी पुराना अपराधी रहा है। उसकी निशानदेही पर अन्य जो लोग थे इस पूरी घटना में, उनको चिन्हित किया गया। इनमें से पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए कल 4 अपराधियों को पटना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये लोग घटना के बाद से लगातार वहाँ से फरार थे और पटना एवं अन्य स्थानों पर लगातार छुप के रह रहे थे। जिन 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम मनीष कुमार, कन्हैया कुमार, ऋषि कुमार और शिवम कुमार हैं। पुलिस के मुताबिक विधायक अनंत सिंह के परिजनों के साथ छेड़छाड़ होती है। अनंत सिंह ने इस छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए प्रताप को कहा। प्रताप पटना से 4 गाड़ियों में सवार होकर लदमा पहुंचता है। लदमा में भूषण सिंह से मुलाकात होती है। इसके बाद 4 युवकों का अपहरण कर लिया जाता है। 18 जून की सुबह अपहरित पुटोस की लाश लदमा गांव के बधार से मिलती है। पुटोस के पिता के बयान के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। इस मामले का मुख्य अभियुक्त प्रताप पहले से भी कई मामलों में वांटेड रहा है। उसी पर इस अपहरण और हत्या को अंजाम देने का आरोप है। अनुसंधान में जो तथ्य स्पष्ट हुए हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि उन लोगों को सबक सिखाना है, उसी के आधार पर यहाँ से पटना के विभिन्न स्थानों से, जिसमें मंदिरी के पास से, सैदपुर हॉस्टल से एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों से, विधायक आवास से कुछ लड़के जो हैं यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए थे। और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे भूषण सिंह, जो पूर्व से वहाँ पे बड़ा अपराधी रहा है, उसकी निशानदेही पर उन 4 लड़कों को वहाँ से उठाया गया। 4 को अन्यत्र ले जाके उनकी हत्या कर देने का विचार था। अब पुलिस के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। मामला पहले ही सियासी तूल पकड़ चुका है। इलाके में राजनीतिक दौरे हो चुके हैं। बयानबाजी जारी है। नीतीश कुमार ने सुबह में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सोमवार को ही मीटिंग बुलाई थी। ठीक उसके एक दिन बाद इस खुलासे ने सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल इसलिए कि उनके ही एक विधायक पर आरोप के छींटे पड़े हैं। रोहित कुमार, जी मीडिया, पटना। उन पुलिस वालों की करतूत कैमरे में कैद होती रही। वो अपने काम में मशरूफ रहे। इसके बाद कैमरे में कैद दास्तान SP को दिखाई गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जो बात SP तक जा पहुंची। सड़क किनारे खड़ी ये पुलिस की गाड़ी, पुलिस की जीप के बगल में जवान भी खड़े हैं। ये गोड्डा जिले की तस्वीर है। जिले के महगामा थाना इलाके का मामला है। जगह है दियाजोरी रेलवे क्रॉसिंग के आगे। अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस के ये जवान लोगों की सुरक्षा में खड़े हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल पुलिस के ये जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है? ड्यूटी है अवैध वसूली की।
जी हाँ, ये जवान दिन दहाड़े ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। तब पुलिस के इन जवानों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद की जा रही है, लिहाजा वो अपने काम को अंजाम देने में मशगूल थे। इस रास्ते से गुजरने वाले हर ट्रक से 200 रुपए की वसूली की जा रही थी। पुलिस वालों की इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया। मामला गंभीर था, जिले के एसपी के पास मामला लाया गया। एसपी संजीव कुमार ने मामले में एक्शन भी लिया। प्रकाश में आज ये बात आई है अभी के खबर के द्वारा, हमने इसकी जांच भी कराई, बात सही है। जो कंसर्न ऑफिसर और कांस्टेबल से जुड़े हुए थे उनको निरूपित कर दिया गया है और आगे फिर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने आरोपी दारोगा प्यारेला, हवलदार भोला दास और सिपाही कविराज किस्को को तुरंत निलंबित कर दिया। बता दें कि अवैध वसूली का ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था, रोज हजारों में वसूली हो रही थी। अब जब खाकी की आड़ में जुर्म को अंजाम दिया जा रहा हो तो फिर आप क्या कहेंगे। जितेंद्र दुबे, जी मीडिया गोड्डा। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।